गाइस अश्मित जी देखो खुद कलाकार बन रहे हैं। बाबू रहने दो, मत करो अपने आप कुछ भी। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मत करो। आपको पता है गाइस हमारा ना पंखा थोड़ा सा ना रुक रुक के चल रहा था, तो आज सोचा अश्मित जी ने कि उसको सही कर दें। विशु मेरी गोदी में है, विशु मेरी गोदी में है और अश्मित जी यहाँ अपना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं विनीता गढ़वाली माँ से। आज आपको पता है 9 बजे रात को क्या करना है। 9 बजे रात को हमें दिया जलाना है, कैंडल जलानी है, अपने फोन की फ्लैश ऑन करनी है ना। इस तरीके से क्या होगा, कोरोना वायरस भाग जाएगा हमारे देश से बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आपको दिया ही जलाना है, आप अपने फोन की टॉर्च ऑन भी कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि दिया नहीं जलाएंगे, तेल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो वो अपने फोन की टॉर्च ऑन कर सकते हैं। ऐसा करने में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रूम की लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी उजाला नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। अगर उजाला होगा भी तो आपका दिए का या कैंडल का या आपके फोन का उजाला होगा, बाकी आपको बिजली बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। सो आई होप आप सब लोगों को पता होगा, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए कि रात को 9 बजे सभी लोग मोमबत्ती, कैंडल मतलब मोमबत्ती और दिया और अपने फोन की टॉर्च ऑन करेंगे, जिससे कि मोदी जी की आज्ञा का पालन होगा। सो देखते हैं, अभी तो टाइम मेरे हिसाब से अभी 6-7 घंटे बाकी हैं। सो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो गाइस ये है कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स, और ये मैंने सारे के सारे इस तरीके से कर दिए हैं, है ना, सारे के सारे निकाल दिए हैं। ये सुबह में लेके आए थे और ये धो नहीं सॉरी ये नहीं लेके आए थे, मैं लेके आई थी, और इनको लाने के बाद मैंने धो दिया था। धोने के बाद फिर सुखाया, उसी के बाद मैंने अभी ये निकाल के रखे हैं। इसमें मुझे अभी ये रखना है एक मतलब बाउल में, सो बाउल में रखना है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, एक छिपकली थी जो कि मैं आपको दिखाने वाली थी, पर अभी कैसे दिखाऊं, वो शायद से चली गई है कहीं पे, है ना। मैं आपको दिखाने वाली थी इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया था। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से ले लेते हैं, है ना। पता नहीं कहाँ चली गई, शायद से ऊपर चली गई है। सो अभी मैं इसको धो दूंगी और धोने के बाद मैं इसमें भर के रख दूंगी सारे के सारे कड़ी पत्ते। सो अभी मैं अंदर लेके जा रही हूँ ये अंगूर, क्योंकि ये जो कि मैंने धो दिए हैं, पहले भी धो दिए थे पर एक बार सोचा कि दोबारा से धो देती हूँ। इसको अभी ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि डब्बा धो के रख दिया है, वो सूख रहा है, तो इतना ये खा लेते हैं। शाम के 4:30 बज चुके हैं, विशु का विशु भी उठ चुके हैं, उठने का टाइम क्या, आज वो जल्दी उठ गए हैं। तो मैं इसको लेके चलती हूँ अंदर, विशु को दूध दे दिया है, विशु का दूध का बॉटल धो दिया है। सो अश्मित जी और मैं अंगूर खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। सो गाइस रात मैंने आपको दिखाया था ना अश्मित जी कर रहे थे, तो अश्मित जी ने ये चेंज किया है ना, खुद से ही चेंज कर दिया। बाप रे इनको तो डर भी नहीं लगता है। और आप मिल सकते हैं हमारे नॉटी नॉटी विशु से। विशु देखो मैं अंगूर लेके आई हूँ, तो अंगूर के साथ, अरे वाह विशु किसको खिलाओगे। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए आई हूँ, विशु सारे के सारे अंगूर अपने डैडा को ही देते हैं, मुझे एक भी अंगूर नहीं देते हैं। देखो विशु देखो गाइस, कल भी ऐसा ही हुआ, दो दिन से ऐसा ही हो रहा है, विशु मुझे अपनी एक भी चीज नहीं दे रहे हैं। बस विशु मम्मी को खिला दो, डैडा को ही खिलाओ आप ना, आज कैमरे के सामने आप मुझे खिला रहे हो, वैसे आप डैडा को खिलाते हो, हाँ विशु। विशु ये देखो गाइस
परसों तो मुझे इतना अजीब लग रहा था, विशु ने सारे कुरकुरे अपने डैडा को खिला दिए। विशु मम्मा को खिला दो, एक दे दो। विशु किसको खिलाओगे? मम्मा को दे दो। डैडा को ना, कल की तरह। विशु मम्मा को खिला दो। विशु अंगूर किसको खिलाएंगे? विशु पानी के साथ खेल रहे हैं बाबू, ले लो उससे, प्लेट उठा लो। हाँ वेरी गुड। देखो 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 देखो, देख रहे हो देख रहे हो, मतलब वहां पे जरा सा पानी है तो विशु को मतलब पानी इतना अच्छा लगता है। पानी से आपको पता है विशु गरारे भी करते हैं। मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ ना आज, रुको ये देखो, मतलब इतना प्यार करते हैं अपने डैडा को। विशु मुझे आ, विशु आ, मम्मी को खिला दो। देखो जब एक मम्मी को दे दो, जब उनके डैडा बोलेंगे ना मुझे खिलाने के लिए तब मुझे खिलाते हैं। बाबू वो नहीं खिला रहे हैं तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मम्मा को खिला दो, मम्मा को खिला दो। लाओ, देखो देखो देखो, देख रहे हो? दे दो बेटा मम्मी को, दे दो एक, दे दो एक। गाइस विशु ने ना दो दिन से ना मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल कर रखा है, आपको तो पता है। अभी मैं आपको बताऊंगी ना अलग से, इनके सामने नहीं बताऊंगी, अश्मी जी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे फिर। विशु एक खिला दो, आ विशु आ। ओ बेटी पहले तो आप देखो कैसे तोड़ते हैं। विशु खिला दो, विशु आ, विशु मम्मा को खिला दो, आ विशु आ। छोटी सी बॉल मिल गई है। विशु मम्मा को खिलाओगे? नहीं विशु नहीं, ऐसे मत करो, गलत बात है ना। विशु आ, छोटी छोटी बॉल मिल गई है विशु को ना। चलो गाइस मैं आपसे अभी करती हूँ थोड़ी देर में बात, इस छोटे छोटे बच्चे को संभाल लो, उनको बॉल मिल गई है छोटी छोटी खेलने के लिए। गंदे बच्चे ऐसे करोगे? जैसे उनके डैडी करेंगे वैसे वैसे विशु करेंगे। देखो विशु विशु, अरे उसको चीजें दिख रही हैं अभी। विशु विशु अरे वाह, देख रहे हो? सो गाइस अंगूर खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन समेटने के बाद मुझे लगा कढ़ी भी बना ही देनी चाहिए। सो आज मैंने बनाई है कढ़ी, और गाइस यहाँ पे साथ साथ में आप देख सकते हैं मैंने पकौड़ियाँ भी बनाई है, बट मैं उसमें नमक डालना भूल गई थी। अगर कभी आपसे भी पकौड़ियों में नमक डालना भूल जाए तो आप ऐसा करें, नमक ऐसे रखते और हल्का सा पानी डाल के जब आप कढ़ी में डाल रहे हो तो पानी से निचोड़ निचोड़ के इस तरीके से पकौड़ियों को डाल दे, उससे क्या होगा पानी के साथ नमक भी पकौड़ियों में अब्सॉर्ब हो जाएगा, है ना, तो आपकी पकौड़ियों में नमक अंदर चला जाएगा। सो ये कढ़ी मेरी तब तक पक रही थी, मैंने आटा गूंद दिया अपना और पूजा भी कर ली है। आज है 5 अप्रैल, तो आपको इसी तरीके से दिया जलाना है। नहीं। ओए विशु और अश्मित जी ये देखो, गो करो ना। विशु, विशु, कैसे कैसे गाइस विशु मेरी बहुत एक्टिंग उतारते हैं, है ना। सो गाइस यहाँ पे सब कुछ हो चुका है और अभी मैं करने वाली हूँ आपसे बात, तो चलिए। सो गाइस, सो गाइस, हेलो, मतलब क्या हो रहा है आपको? गाइस मैं इसी कमरे में आ जाती हूँ आप लोगों से बातें करने, और आज अश्मित जी भी आ गए, है ना। तो आज है 5 अप्रैल और हमें, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? ऐसा कोई करता है क्या? सो गाइस
आपको पता है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और जब मैं आपको कह के तो गई थी कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे तो नींद आती ही नहीं है। मैं फोन पे लगी, फोन पे लगने के बाद जब तक अश्मित जी के फोन पे, मतलब जब तक अश्मित जी अपना मूवी देखते हैं और तब तक वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि कोई बहुत, मतलब बहुत बड़ा आदमी बैठ नहीं, नहीं बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इनके साथ कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो इसको उसको ये मूवी की तरफ फोड़ देंगे, है ना। सो मैं इनके साथ बात नहीं करती हूँ। जब इनकी मूवी खत्म होती है तो ये हमारी मूवी बना देते हैं, विशु की और मेरी, है ना। हम लोगों के साथ ऐसा खेलते हैं, कभी इधर मार कभी उधर मार, ये देखो नहीं है ना। सो ऐसा करते हैं अश्मित जी, और अश्मित जी आपने कुछ और पहना हुआ था, ये पहना था आज? मैंने यही पहना था। ओके, मैं चेंज कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे लगा क्यों ये ऐसा ही करते हैं, इनको कोई छेड़ दे फोन चलाते हुए तो वो, हाँ वो उड़ जाएगा यहाँ से, दुनिया से चला जाएगा। बाबू नहीं है, ऐसे मत करो, विशु को मत मारो, देखो कितनी शैतानी कर रहे हैं ना, है ना। अभी मैं शैतानी करने लगी ना, फिर देखना। सो गाइस ये ऐसा ही करते हैं, फिर मेरा, मैं ऐसे ही लेती फोन हाथ में लिया, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज गाइस देख लीजिएगा, है ना। सो आप ही के लिए बनाया था मैंने, जिन लोगों को नहीं पता है। और बस फिर मैंने कड़ी पत्ता लेके आई थी एक दिन, तो क्या हुआ गाइस, अश्मित जी कड़ी पत्ता लेके आए, 10 रुपए का यहाँ पे एक गड्डी मिलता है, 20 रुपए का भी मिलता है, 20 रुपए की बड़ी गड्डी और 10 रुपए की छोटी गड्डी। तो अश्मित जी जब लेके आए तो जो दीदी आती है, मैंने उनको रोक लिया, मैंने बोला दीदी मेरे साथ ना कड़ी पत्ता साफ करवा देना, हंसी वाली बात है ना, और मेरी बैटरी भी लो हो रही है ना। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, दीदी ने तो फटाफट फटाफट से, बस मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगे उन्हें, उन्होंने सारा कड़ी पत्ता साफ कर दिया। मैंने कहा OMG ऐसे कड़ी पत्ता साफ होता है, मुझे लगा एक एक पत्ता निकालना पड़ता होगा, पर आज मैंने भी उसी तरीके से किया। और पता नहीं था ना कि उसकी लीव कितनी मजबूत होती है। हाँ उनकी लीव, उसकी लीव बहुत ज्यादा मजबूत होती है। सो मैंने कड़ी पत्ता साफ किया, कड़ी पत्ता साफ करने के बाद विशु को दूध दिया, विशु को दूध देने के बाद हमने अंगूर खाए, अंगूर खाने के बाद मैं बाहर से कपड़े लेके आई, कपड़े लेके आने के बाद मैंने सारी तैयारी करी खाना बनाने की, कढ़ी बना के रख दी है, आटा गूंथ दिया है, चावल भिगाने अभी बाकी है। और क्या था ना, हमारा परसों दूध फट गया था, तो दूध जब फट गया था तो मैंने उसमें हल्का सा दही डाला, दही डालने के बाद क्या हुआ, वो ना जैसे क्या बोलते हैं उसको, मट्ठा बोलते हैं ना, मट्ठा टाइप का बन गया, जो कि अश्मित जी ने सोचा कि दही जमेगा और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वो सारा का सारा 2-3 थैली दूध जो भी था वो फिर हमें गाय को डालना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, है ना। और बोलते हैं वो खट्टा हो गया था, दही बनाने लायक, सॉरी कढ़ी बनाने लायक हो गया था, अश्मित जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला कि नहीं दही की कढ़ी खानी है। सो अभी दही वाली कढ़ी ही बनी है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरा सब काम हो चुका है, बस जो मैं बाहर से कपड़े लेके आई हूँ वो तय करने बाकी हैं। और ये विशु हमारे क्लास लेके आ गए हैं, आई डोंट नो येलो वाली बॉल बाहर थी ना शायद, बच्चे खेल रहे थे ना, देखो। सो विशु बाहर ले जाते हैं आजकल अपनी बॉल और बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है। हम आज विशु और मैं गए थे कड़ी पत्ता लेने बाहर, हमारे घर के बाहर बहुत ही बड़ा पेड़ है कड़ी पत्ते का, और आपको पता है गाइस कड़ी पत्ते को सिर पे लगाने से बाल बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी होम रेमेडीज शेयर कर सकती हूँ, बट क्या होता है ना टाइम नहीं लगता है मुझे इन सब चीजों के लिए, क्या होना चाहिए ना कि टाइम होना चाहिए, टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो जिससे कि मैं सभी चीजें आपको बता सकूं। जब विशु सोते हैं तो मैं फटाफट से वीडियो बनाती हूँ और बस बना के छोड़ देती हूँ कि जिससे विशु उठ जाए, तो वीडियो आधे, कभी कभी तो क्या होता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आधे में ही वीडियो रह जाती है, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर वो वीडियो डिलीट करना पड़ता है ना। कभी कभी तो क्या होता है कि उसको ठीक से एडिट करके ही छोड़ देना पड़ता है मुझे। और कोकोनट वाला वीडियो देखा आपने विशु ने, मेरे को उसमें इतना परेशान किया था ना,
ये दोनों के दोनों आप यार क्या कर रहे हो मेरे साथ? देखो इनको, इधर विशु है, ये देखो मतलब विशु को आपने सिखाया है। गाइस विशु ना मेरे साथ ही पूजा करते हैं, मतलब उनको पता है कि मम्मा पूजा कर रही हैं और मैं बंग देखो विशु को बंगा। विशु क्या चाहिए? विशु ऐसे दो, विशु हाय कर दो, हाय विशु, हाय कर दो विशु, हाय बंगा। गाइस मेरे विशु ना पानी को बंगा बोलते हैं ना, तो पानी मीन्स बंगा, बंगा मीन्स पानी। ओके तो विशु का नया वर्ड है, मोस्टली बच्चे मम्मा बोलते हैं है ना, पानी बोलते हैं, तो विशु बंगा बोलते हैं। तो विशु का बंगा, विशु बंगा बंगा। हाँ ये बैलून ना जो विशु के सॉरी इनके डैडा का डेकोरेशन का सामान था, मैंने इनका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, उसी में से ये बैलून निकला था, तो मुझे लगा चलो विशु को दे देना चाहिए। सो मैंने कल विशु को एक बैलून इसमें से निकाल के दे दिया। विशु को बैलून बहुत ज्यादा पसंद है ना। और बाबू एक बार कड़ी चला देना। सो गाइस पे कड़ी रख के आई हूँ है ना, दो बार चला चुका हूँ ये ना, ये अपने ना एटीट्यूड ना थोड़ा कम दिखाया करो। हाँ समझे समझे, डिप्स लगा के दिखाओ, डिप्स लगा के दिखाओ। हाँ बस हो गया, डिप्स लगा लेंगे, लगा दिए ना विशु तो लगा देंगे, बच्चे ने लगा दिए ना विशु तो लगा देंगे है ना। जब डिप्स लगाने की बारी आती है ना तो इग्नोर कर देते हैं बातों को। हाँ लाओ। तो गाइस जब तक मैं इन लोगों के साथ नहीं खेलूंगी तो ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मैं इन लोगों के साथ खेल लेती हूँ है ना, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। और आप 9 बजे रेडी रहना कैंडल और दिया जलाने के लिए। मैं क्योंकि बाहर मार्केट तो जाना हो ही नहीं रहा है, तो कैंडल मेरे पास है नहीं है, और दिया मैं जला दूंगी। तो आप सरसों का दिया भी जला सकते हैं और घी का दिया भी जला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो फोन की टॉर्च भी जला सकते हैं, कोई सरसों का तेल का दिया ऐसे ही जला सकते हैं, और अगर घी का दिया है तो उसके अंदर कबूर डाल लेनी चाहिए। ओह ठीक है, अगर आप देसी घी का दिया जला रहे हैं मतलब घी का दिया, तो उसमें आप कबूर डाल लें, उससे क्या होगा बैड बैक्टीरिया भाग जाए। सो आप ऐसा कर सकते हैं। और गाइस आपको पता है मैंने अभी पूरा सामान यहीं पे फैला हुआ है, ये सब चीजें मुझे ये भी रखना है और अपनी अलमीरा भी सेट करनी है, कब करूंगी नहीं पता है क्योंकि टाइम तो
को दे तो
बड़ा मम्मी खुश हो गई होगी अब तो। गाइस सारी चीजें अपने डैडा को देते हैं। देखो विश्वा आ आ अब पापा को किसी को नहीं मिलेगा, कुछ भी चुकेंगे और कोई नहीं पिएगा। ला मैं पिला दूं, मैं पिला देता हूँ, अरे मैं पिला देता हूँ। बच हो गया गाइस। हाँ सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट ही किया, सुबह में बना था उपमा और दिन में बने थे दाल चावल। सो मुझे लगा दाल चावल आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रहे हैं ना, तो मैंने शाम से ही व्लॉग स्टार्ट किया है। और सूट इसलिए उतार दिया क्योंकि सूट फुल स्लीव का था और उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने वो चेंज कर दिया। ये वाला विश्वास है इसको मैंने फुल लगा के पानी डलवाया डाल देता है। हाय कर दो बच्चों, हाय। सबको बता दो नीचे पानी गिर गया है, अभी आप नीचे उतर जाओ है ना। सो गाइस कड़ी में अभी मेरे को पकौड़ी डालनी है और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ या ये व्लॉग यहीं पे एंड होएगा नहीं पता है, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना बस व्लॉग मैं ऐसे ही खत्म कर देती हूँ तो मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। और हाँ इंतजार तो वो 9 बजने का ही है। चलो भाई तो विशु अपना पानी पी रहे हैं और मैंने हैंड वॉश कर लिया है, एक एक करके पकौड़ी डाल देंगे कड़ी में। अब बैटरी तो आपको पता ही है कैसे कर रही है और इसमें जी ने मेरे लिए नारियल पानी भी कर दिया है। अपना तो आपने सुबह पी लिया था ना, सुबह क्या मेरा क्या आपका, नहीं मतलब आपने नारियल पानी सुबह पी लिया था ना, दोनों क्या आपका क्या मेरा। ओह माय गॉड, वो आपने इतनी कम पकौड़ी क्यों बनाई यार। पकौड़ी क्योंकि फिर मेरे को अच्छी नहीं लगती, ज्यादा कड़ी में पकौड़ी हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती है, तो कम कड़ी में डाल दिया करो, ज्यादा कड़ी में क्यों डालनी है पकौड़ी। सो गाइस हो चुकी है, आप नहीं पी रहे हो, आप भी पियो पहले। नहीं अरे पी लिया मैंने। नहीं पहले आप पियोगे पक्का। हाँ सो गाइस मैं नारियल पानी पी लेती हूँ फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। और गाइस मैं एक बात बताऊँ, यहाँ के नारियल में मतलब बहुत ज्यादा पानी होता है, मतलब हम जितनी उम्मीद कर सकते हैं ना उससे ज्यादा पानी होता है। मैंने हरिद्वार में भी नारियल पिया है ना, नारियल पानी पिया है और यहाँ पे भी पिया है, वहां के अकॉर्डिंग यहाँ पे नारियल पानी बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसके अंदर मतलब अभी आपको मैं निकाल के दिखाऊं तो एक गिलास पूरा भर के निकल जाएगा, इतना पानी होता है। पर किसी किसी नारियल पानी मतलब किसी किसी में है ना, तो मोस्टली वैसे एक ग्लास निकलता ही है सब में, पांच या चार आते हैं हमारे घर में, एक में कम निकलता है बाकी सब में पूरा का पूरा ही निकलता है और किसी किसी में तो मलाई भी निकल जाती है। ऐसा नहीं है हरिद्वार में तो 50 रुपीज का एक मिलता है, यहाँ पे 100 रुपीज के चार नारियल पानी मिलते हैं। और आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर बताओ ना क्या चाहिए आपको, मेरे को बताओ। तो कड़ी हो चुकी है, कड़ी को भी बंद कर देते हैं ना इतनी देर में, तो कड़ी बंद करोगे गैस बंद करोगे। हाँ गैस बंद करोगे। सो कड़ी बन चुकी है, इसमें मुझे पता नहीं अपना क्या खा रहे हैं। सो गाइस ये दिया मैंने बना दिया है, अभी बनाया है जस्ट, और ये कुछ इस तरीके से होएगा अभी है ना। सो हाथ साफ कर लेते हैं, इधर ये दिया मैंने मतलब एक ही दिया मैं जलाऊंगी, बाकी हम फोन के टॉर्च जलाएंगे। और यहाँ पे कड़ी आपको जैसे कि पता है बन चुकी है, तो मैंने राइस भी बना दिए थे और ये है विशु का शिपर। और आज विशु ने मतलब शिपर से पीना स्टार्ट कर दिया है, वो इसी से ही पी रहे हैं है ना। यहाँ पे मैंने गरम गरम रोटियां सेक के रख दी है। सो मंदिर में मैंने दिया बत्ती सही कर दिया है ताकि मैं आराम से जला दूं। यहाँ पे विशु के डैडा विशु को रोटी खिला रहे हैं। आम छे विशु कैसे कैसे खा रहे हो आप, आम नम कैसे, एक बाइट माल के दिखाओ। अरे वाह विशु पेन का फैन और आयुष
ओले वाह, तो बिना गई। और शादी वाला डांस, शादी वाला डांस, वाह ये शादी वाला डांस है। तो गाइस अभी टाइम क्या हो रहा है? 42 हो रहे हैं, अभी 42 हो रहे हैं। तो चलो और कुछ करते हैं इतना। सो गाइस आप टाइम देख सकते हैं और अभी मैं दिया जलाने वाली हूँ, है ना। लो तुम जलाने वाले होंगे, देखो मैं प्रिपेयर हो गया पहले ही। आओ हम सेट हो गया, चलो 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 लो पकड़ोगे तभी तो। भारत माता की जय। पंखा चल रहा है उधर, उधर नहीं लेके जा रही हूँ अभी ना, अभी क्योंकि पूरे घर की लाइटें बंद करनी है, उसके बाद ही हम इसको रखेंगे। बाहर ले चलो। मैंने घर में भी चला दिया क्योंकि घर को अंधेरे में नहीं रखते हैं। इंडक्शन भी बंद कर दीजिए। और चलिए हमारे बीचू कहाँ है? बीचू डर तो नहीं रहे हैं? ये संग किसने बजाने के लिए बोला था? संघ तो बजाने के लिए नहीं बोला था किसी ने भी। मोदी जी क्या करवाना चाह रहे हैं? वो यहाँ पे नहीं बाबू है कि आप भजन भी कर सकते हैं भगवान के, है ना। पर आप दिखाई तो दे नहीं रहे मुझे। आप टॉर्च चला रहे हैं? दिखा देखो। ये भारत माता की जय। जय बाबू नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय। जय विशु, भारत माता की जय। हाँ जय। एक हमने इधर और अंदर आपको दिखा देते हैं, है ना। पूरा घर अंधेरे में है और मैंने दिया जलाया हुआ है घर में, है ना। तो एक भी लाइट ऑन नहीं है। ये विशु, ये सभी लोग आ चुके हैं अपनी अपनी टॉर्च लेके। विशु भारत माता की जय। कैसे विशु? भारत माता की। ऐसे विशु देखो, विशु बाबू विशु के सिर में मच्छर वच्छर ना। गाइस विशु के ये विशु भारत माता की जय। विशु 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 हाथ कैसे सेकते हैं? हाथ, अरे वाह विशु कैसे, नहीं 6 हुआ है अभी। हाँ 6 मिनट हुआ है अभी। गाइस आप देख सकते हो सड़कों पे कोई भी नहीं है। विशु भारत माता की जय। जय जय। पर लोग दिखाई नहीं दे रहे ज्यादा। लाइट जलाओ अपने उसकी। घरों में रहे ना? नहीं
सो गाइज आप टाइम देख सकते हैं, है ना। और कहीं बाहर बहुत अच्छे से मतलब दिए हुए जला के भारत माता की जय करके हो रहा है, है ना। यहाँ पे तो सभी जगह अंधेरा हो चुका है, मतलब जैसा कि बोला था। और यहाँ पे दिया आराम से जल रहा है और इसको जलते रहने देंगे। अभी हम चलते हैं अंदर, है ना। सो गाइज आपने देखा हमने दिया जलाया, टॉर्च जलाया, है ना। और अभी दिया जल रहा है, मैंने आके मतलब 11 मिनट हो चुके हैं और अभी हम अंदर आ चुके हैं। और बाहर कहीं तो बहुत तेज तेज से आवाज आ रही थी, आई डोंट नो वीडियो में ऐड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। सो अच्छा लगा, है ना, ऐसा लगा जैसे दिवाली आ गई है। और कहीं पे तो बहुत अच्छे से, बाबू आपने वीडियो लिया था उनका, किसका, अभी जहाँ पे झालर टाइप का कुछ लगा रहा था किसी ने, हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर, छोटी छोटी लाइटें दिखाई दे रही थी ना, और यहाँ की लाइट भी अभी ऑफ है। सो गाइज अभी हम खाने वाले हैं खाना। सो आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबने भी ऐसा ही किया था या मैंने ही ऐसा किया है। सो विशु हाय, तो हाय विशु को तो गाइज आजकल मिक्सी चाहिए। तब तक के लिए बाय, और खाने का पिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके बाय बाय।